In previous lecture, I have explained structures in C++. We have seen that how can we declare a structure, how can we access the structure's members through its variable. We have seen that how can we pass the structure variable from one function to another function. Okay, so we did the example for the one person's data, but if we have to store the data for multiple persons, उसके लिए हमें जो syntax use करना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको एक example करवाने लगी हूँ और उसको explain करूँगी कि memory में किस तरह से data store हो रहा होता है. ठीक है, तो ये हमारी एक file है C++ की. सबसे पहले हम क्या करते हैं, include करवाते हैं header file, hash include IOStream using namespace std. okay, उसके बाद हमारा structure आ जाता है. क्या हमारे पास syntax था, keyword होता है struct का, person हमने name रखा था अपने structure का. उसके बाद हमने कहा था terminator आता है must. ठीक है, then हमने क्या किया था जी, character array ले ली थी name के लिए 20 size की. उसके बाद हम क्या करते हैं जी, int h variable ले लेते हैं. देन हमने float variable लेना है salary का. ठीक है, तो ये तीन members थे. इसके अलावा भी आप रख सकते हैं जितनी आपको need है अपने जो problem है उसके according. ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि हम structure का variable यहाँ पे भी declare कर सकते हैं और हम main में भी declare कर सकते हैं या हम किसी और user defined function में भी declare कर सकते हैं. ठीक है, तो हम usually क्या करेंगे, main में ही declare कर लेंगे. okay, then हमने display का एक function बनाया था, हम बना लेते हैं और उसमें हमने आर्गुमेंट पास किया था स्ट्रक्चर का. किस तरह से करते हैं, जैसे हम यूजुअली सिंपल जो फंक्शंस होते हैं उसमें आर्गुमेंट्स पास करते हैं, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करते हैं. तो हमने स्ट्रक्चर टाइप का जो है वेरिएबल पास करना होगा, तो उसके लिए हमने स्ट्रक्चर का नेम मेंशन कर दिया. देन हमारा मेन का फंक्शन आ जाता है. ओके, और उसके बाद हमारा डिस्प्ले का फंक्शन आ जाता है. ओके, अच्छा, अब हमने यूजर से जब डाटा लेना है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास 3 पर्सन्स का डाटा है, तो जब हम इसका वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम क्या करेंगे, पी के नेम से अगर हम ले रहे हैं तो हम इसकी क्या ले लेंगे, एरे ले लेंगे. ठीक है, अब होगा ये कि पी 0 पे जो डाटा स्टोर हो रहा होगा वो पर्सन 1 का होगा, पी 1 पे जो डाटा स्टोर होगा वो पर्सन 2 का होगा, एंड पी 2 पे जो डाटा स्टोर होगा वो हमारे पास पर्सन 3 का हो जाएगा. ठीक है, सेम उसी तरह से हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं कि एंटर डाटा. ओके, 3 पर्सन का. उसके बाद हम हमें पता है कि जब भी हमने एरे को यूज करना है तो हम लूप्स यूज करते हैं. ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा एंट्री के लिए यहाँ पे लूप यूज करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे लूप लगाती हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस. ओके ओके, यहाँ पे हम स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं सी आउट, एंडल यूज कर लेते हैं पहले, एंटर डाटा फॉर पर्सन. कौन से पर्सन के लिए हमें एंटर करवाना है, हम क्या करते हैं यहाँ पे आई प्लस 1 करके प्रिंट करवा देते हैं. सो इंडेक्स हमेशा पर हमें पता है कि 0 होता है, तो 0 प्लस 1 फर्स्ट टाइम 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आ जाएगा. ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे एंडल यूज कर लेते हैं. उसके बाद हमने सी इन करवाना है. सी इन हमने सबसे पहले क्या करना है, डाटा के लिए सबसे पहले हमने नेम लेना है, तो हम यहाँ पे डाटा की जगह नेम कर देते हैं पर्सन 1 के लिए. अब सी इन करवाना है हमने नेम. नेम के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, अगर आपको याद हो कि सिंपल अगर हम यहाँ पे अरे यूज कर रहे हैं कैरेक्टर की, तो हमने यहाँ पे गेट लाइन का फंक्शन यूज किया था. ठीक है, सी इन डॉट गेट लाइन. यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने जो भी वेरिएबल नेम रखा है पी ऑफ, किसके थ्रू लूप चल रहा है, आई के थ्रू, तो आई डॉट नेम. ओके, साइज क्या है 20 है. ठीक हो गया. देन उसके बाद हमने क्या करना है, सी आउट करवाते हैं हम, पर्सन का हमने लेना है एज, इसी को हम कॉपी कर देते हैं, एंटर एज फॉर पर्सन 1,
और हमने सी इन करवा लेनी है पी ऑफ आई डॉट एच। ओके, इसी तरह से हम दोबारा से कॉपी करते हैं लाइन, हमने एच के बाद करवानी है सैलरी एंटर, सैलरी सी इन करवा देते हैं पी ऑफ आई डॉट सैलरी। ओके, तो इस तरह से हमारा डाटा जो है एंटर हो जाएगा। अब हम ये कर सकते हैं कि इसको अगर हमने सी आउट भी करवाना है तो हमने डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करना होता है, ठीक है। होगा क्या कि हमारे पास सबसे पहले होता ये है कि हमारे पास i इज इक्वल टू जीरो के लिए जब लूप चलेगा तो यहाँ पे p ऑफ जीरो डॉट नेम होगा, इसी तरह से p ऑफ जीरो डॉट एज होगा, इसी तरह से p ऑफ जीरो डॉट सैलरी होगा। दैट मीन्स कि जिस तरह से हमारे पास एरेज होती हैं उसी तरह से स्ट्रक्चर काम कर रहा होगा, बट डिफरेंस ये होगा कि जब हमने p ऑफ थ्री डिक्लेयर किया तो एक हमारे पास जीरो इंडेक्स का बॉक्स बना होगा, एक वन का और एक टू इंडेक्स, ठीक है। अब जीरो इंडेक्स वाले में कौन कौन से डाटा टाइप्स होंगी, एक हमारे पास कैरेक्टर एरे की होगी, एक हमारे पास एज की होगी, ठीक है, ये हमारे पास नेम की हो गई, ये हमारे पास एज हो गई और ये हमारे पास सैलरी हो गई। ओके, इसमें हमारे पास 20 बाइट्स रिजर्व हो रही हैं, एज के लिए हमारे पास 4 बाइट्स रिजर्व हो रही हैं, सेम गोज फॉर फ्लोट, इसके लिए भी हमारे पास 4 बाइट्स रिजर्व हो रही हैं। दैट मीन्स कि जो जीरो इंडेक्स का डाटा है उसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स हैं जो कि स्टोर हो रहे हैं, डाटा स्टोर हो रहे हैं मल्टीपल डाटा टाइप का, और कितने बाइट्स ले रहा है वो 28 बाइट्स, ठीक है। सेम गोज फॉर बॉक्स नंबर 1 जिसका इंडेक्स 1 है, उसमें भी हमारे पास 28 बाइट्स रिजर्व हो रहे होंगे, दैट मींस 56 हो गए टोटल। इसी तरह से जो लास्ट है उसमें भी 28 बाइट्स रिजर्व हो रहे हैं, ये हमारे पास पर्सन 1 का डाटा होगा, ये हमारे पास पर्सन 2 का डाटा होगा और ये हमारे पास पर्सन 3 का डाटा होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास 3 बॉक्सेस बने हुए होंगे, फर्स्ट नेम का, देन एज का, देन सैलरी का। इसी तरह से यहाँ पे भी बने हुए होंगे नेम का, एज का एंड सैलरी का, ठीक है। तो इस तरह से मेमोरी में डाटा स्टोर हो रहा होता है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है कि डिस्प्ले के फंक्शन को हमने कॉल करना है कि वो डिस्प्ले करके दे दे जो भी डाटा एंटर हुआ है, ठीक है। हमने किसको पास करना है, अब हमारे पास एक एरे पास हो रही है जिसको हम कह देते हैं, हमें पता है कि एरे जब भी हम पास करते हैं तो सिंपली उसका नेम पास करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं हमारे पास एक आ रही है एरे, तो एरे के लिए ब्रैकेट्स लगा दी। यहाँ पे भी हम कहते हैं कि पर्सन पी की एरे आ रही है और एरे को हमने क्या करना है, उसके थ्रू यहाँ पे डाटा को डिस्प्ले करवा देना है, ठीक है। डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपल हमारे पास सी आउट की स्टेटमेंट्स यूज होंगी, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सो यहाँ पे हम एरे का साइज 3 ऊपर लिया था तो हम यहाँ पे 3 मेंशन कर देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले के फंक्शन में हमने डाटा को डिस्प्ले करना है तो सिंपली हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, योर डाटा यस एंडल, ओके। उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखी जी एंडल के साथ, सबसे पहले हमने पर्सन 1 का डाटा प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें अगेन लूप चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाला लूप ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। जीरो से लेकर उसी तरह 3 less than 3 तक लूप चलेगा। नेम हमने प्रिंट करवाना है सबसे पहले, नेम फॉर पर्सन 1, उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट आनी चाहिए। यहाँ पे हमने नेम पी ही रखा हुआ है तो पी ऑफ आई डॉट नेम उसी फर्स्ट वाले को पॉइंट करेगा, ठीक है। सेम गोज फॉर एंटर एज की जगह एज फॉर पर्सन 1 इज यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, ओके। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास सैलरी और पर्सन 1 होगा, आ जाएगा सी आउट, ओके। तो इस तरह से हमारे पास सिंपल डाटा प्रिंट हो जाएगा पी के थ्रू, और पी इसके लिए का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के लिए है, और ये किसको गेट कर रहा है, ये यहाँ से जो डिस्प्ले के फंक्शन को हमने कॉल किया था जिसके थ्रू हमने डाटा को एंटर किया था,
ठीक है, आप स्पेसिफिकली किसी भी इंडेक्स के जो पर्सन है, फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स का फर्स्ट पर्सन है, 1 इंडेक्स का सेकंड पर्सन है, 3rd इंडेक्स का 3rd पर्सन है, तो आप किसी भी पर्सन का स्पेसिफिकली कोई भी डाटा आप प्रिंट करवा सकते हैं इस डिस्प्ले के फंक्शन में. ओके, सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं फंक्शन को. और यहाँ पे डेट सी एच मैंने यूज किया था जो है स्ट्रिंग की इनपुट लेने के लिए. पहले मैंने कैरेक्टर एरे ली हुई थी, उसकी जगह मैंने चेंज करके स्ट्रिंग कर दिया है. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी ऐड हो रही है, इंक्लूड हो रही है, जिसके थ्रू हमने सिंपली क्या किया है जो है नेम में इनपुट ले लिया सी इन के थ्रू. ओके, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ओके, नेम फॉर पर्सन वन एंटर किया, एज एंटर की, सैलरी एंटर की. ठीक है, इसी तरह पर्सन टू के लिए जो है हम एंटर करते हैं नेम, कुछ भी, एज एंटर की, सैलरी एंटर की, एनीथिंग. ओके, नेम हम करते हैं, एज एंटर की, सैलरी एंटर की. ओके, अब देखें डाटा जो हमने एंटर किया था, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ था, उसके बाद हमारे पास वही डाटा आ गया जो कि अभी मैंने ऊपर एंटर किया था. ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हम मल्टीपल जो पर्सन हैं या मल्टीपल जो है ऑब्जेक्ट्स का डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं स्ट्रक्चर के सेम जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनमें. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एरे डिक्लेयर करनी पड़ती है. हम ये काम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि मैं सिंपली अगर पी ऑफ 3 यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं तो भी ये प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, सेम उसी तरह से आउटपुट आएगी. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन से जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है उसको, और देन हम पॉइंटर्स के थ्रू स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे.